कैसी हो तुम? माफ करना बेगम, मगर आप जानती है ना, हमें बिल्कुल पसंद नहीं कोई आपकी तरफ देखे। कभी आपने सोचा नहीं कि जब हमें मालूम पड़ेगा हम आप दोनों का क्या हशर करेंगे? और अपनी भूमि की सीरत पहचानने में मैं कभी कोई गलती नहीं कर सकता, पर क्योंकि मेरी शादी पुरानी भूमि से हुई थी, इसलिए जब तक मैं इस नई भूमि के साथ साथ फेरे ना ले लूं, मैं इसे पूरे मन से अपना नहीं पाऊंगा। अरे वाह, हमारे शेर क्या गुगली मारी है, ये की ना हमारे भाई वाली बात। मान बेटे, तुम ये क्या कह रहे हो? एक बार तो तुम्हारी शादी हो चुकी है ना। माँ, अपने मन की तसल्ली के लिए मैं ये शादी करना चाहता हूँ, और वैसे भी अगर सच में ये मेरी भूमि है तो मेरी खुशी के लिए दोबारा शादी करने में इसे क्या हर्ज होगा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी ना बेटा? बेटा, इसी बहाने तुम दोनों का रिश्ता भी गहरा होगा और हमारे परिवार की खुशियां भी दुगनी हो जाएंगी। जी बड़ी बहन, आप जैसा ठीक समझे। तो ठीक है, आज रात डांडिया के बाद पंडित जी से शादी की तारीख भी निकलवा लेते हैं। चलो सब जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान आते ही होंगे। अब कहाँ भागोगी फ्रॉड बहू? बड़ी माँ, अंदर आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो? बेटा, आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आखिरकार मान ने तुम्हें अपना ही दिया, और वो भी इन शुभ दिनों में। चलो बेटा, तुम भी तैयार हो जाओ, डांडिया शुरू ही होने वाला है। बड़ी माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है बेटा, बोलो ना। वो मैं कह रही थी कि अभी अभी अंकल और अब ये शादी थोड़ा। हम समझ सकते हैं बेटा, कितनी मुश्किल हो रही होगी तुम्हारे लिए। वो एक पुण्यात्मा थे बेटा, लेकिन बेटा हमारा और उनका खून का रिश्ता नहीं था, इसीलिए रीति रिवाजों में कोई अड़चन नहीं होगी। अब कुछ मत सोचो, अब तुम सिर्फ शादी के बारे में सोचो। भूमि बेटा, तुम एक अहम हिस्सा हो हमारे परिवार का। इस शादी के बाद सबके मुंह बंद हो जाएंगे। जिनके मन में जरा सा भी शक था कि तुम भूमि नहीं हो। हाँ, लेकिन सब ठीक हो जाएगा बेटा। और चलो, पंडित जी भी आ गए होंगे, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं उनसे बात करती हूँ। हाँ, आराम से अच्छे से बनाना। और हम राइट साइड में ना, मुझे बहुत से पेड़ पौधे चाहिए। वो क्या ना कि जब हमारी बेगम खिड़की खोले तो उन्हें सब हरा भरा दिखना चाहिए, उन्हें हरियाली ग्रीनरी बहुत पसंद है। आई सी। और हाँ, ये एक्सक्यूज मी, तुम काम करो, मैं आता हूँ। हाँ बोलो। बहुत उतावले हो रहे थे ना अपनी प्यारी बेगम को मिलने के लिए, अब देखो देवी मैया ने तुम्हारी इच्छा पूरी कर ही। मतलब
आज प्रजापति हाउस में डांडिया रखा गया है और आज आपकी प्यारी बेगम का संगीत भी है। संगीत? तुम बोलना क्या चाहती हो? अब भाई दूसरी शादी करेगी तो ये सारे चोचले तो होंगे ही ना। ये पेड़ पौधे मैंने तुमसे कहा था ना मेरी बेगम को हरियाली बहुत पसंद है। मैंने कहा था तुमसे मेरी बेगम के खिड़की के सामने मुझे हरियाली चाहिए। माफ कर दे सर, गलती हो गई सर। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? पागल हो गए तुम, पागल हो गए तुम, पागल हो गए तुम। जी बिल्कुल, हमारी भूमि और मान ना होते तो हम बिस्तर से उठ ही नहीं पाते। इन दोनों की मेहनत और लगन की वजह से आज हम आपके सामने खड़े हैं। देखो देखो लो, हमारी बहू भी आ गई। भूमि, मैं तुमसे वादा करता हूं मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। भी आए हैं ललन टॉप। अरे भाई अटेंशन अटेंशन, नो टेंशन। सबसे पहले हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं। आज का दिन हमारे घर के लिए बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि आज नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और साथ ही साथ हमारे प्यारे भैया और प्यारी सी भाभी जी की जिंदगी की भी नई शुरुआत है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। तालियां बजाइए। हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक नजराना और स्वागत कीजिए आज की अदाकारा का। घूंघट के पट जो उठाएगी बजेगा लव तो राधा ना जाएगी, म्यूजिक बजेगा लव तो राधा ना जाएगी, म्यूजिक बजेगा लव तो राधा ना जाएगी।
मचाएगी। म्यूजिक बजेगा लव तो राधा ना। अरे शादी हो रही है इनकी फिर से। अरे खुशी नहीं हो रही क्या? किसी को अपनी नकली खुशी भी नहीं दिखा सकती। समझ सकता हूँ, आखिर एक अजनबी से शादी करने के ख्याल से तुम्हारे तो हाथ पैर कांप रहे होंगे ना। सुख दुख जो धन भी झूठा झूठी मो माया सच्चा मन का वो
अरे अरे उठो भूमि, बेटा उठो। वाह भूमि, वाह बेटा, बहुत अच्छा नाची तुम। यार तुम तो बड़ी टैलेंटेड हो, मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा डांस करती हो। आओ बेटा मेरे साथ हो। अरे भूमि, तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो। भाभी माँ, आपकी बहू तो बहुत गुणी है, एकदम सर्व गुण संपन्न। भूमि आओ ना, तुमसे जरा बात करनी है। हम एक मिनट में आया भाभी माँ। सुनो ना, मैं क्या पूछ रही हूँ, तुम्हें पक्का यकीन है ना कि हमने जो प्लान बनाया वो कामयाब होगा? कहीं लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे? कहाँ खो गई, जवाब दो ना। नहीं चाची, आप टेंशन मत लो, जैसा प्लान किया वैसा ही होगा। ये हैवान दिख क्यों नहीं रहा है? दिख, अरे अरे पता है ना, ये पार्टी सारे कपल्स के लिए रखी गई है। हाँ, उसके बाद भी इतनी सज धज के लाल लिपस्टिक लगाकर नीचे आ गई। हाँ, शर्म नहीं आएगा तुम्हें? किसको फंसाने आई हो? हाँ बोलो। युवराज घर तक आ गया है, पता नहीं अब क्या करेगा।